गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कार्डिनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्डिनल नंबर क्या होता है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कार्डिनल नंबर, अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। इट इज डिनोटेड बाई मॉडुलस ऑफ ए और एन ए, स्मॉल एन लिखना है यहाँ पर। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई एक सेट ए दिया हुआ है तो उस सेट में जितना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं मॉड ए के थ्रू या एन ऑफ ए के थ्रू। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, तो अगर इसका कार्डिनल नंबर हमसे पूछेगा तो टोटल आपको काउंट कर लेना है नंबर ऑफ एलिमेंट को, 1, 2, 3, 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4, तो कार्डिनल नंबर यहाँ से 4 हो जाएगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, हम उसके बारे में देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी कहता है क्या, फॉर एनी टू सेट्स, ए नंबर कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 हो जाए, मतलब सेट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन एन ए यूनियन बी का जो वैल्यू होगा वो एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाएगा। आपको हम बताए हुए थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट क्या होता है, अगर दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट बोला जाता है। तो इस केस में अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में तो वो 0 हो जाएगा, अगर सेट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो। और अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस 0, इसीलिए ये इतना सिर्फ हो जाएगा। बी नंबर है एन ए माइनस बी, इसका वैल्यू होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर हम आपसे पूछें एन बी माइनस ए का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट नंबर है फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एंड सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी एंड C।
सी। तो ये सेकेंड नंबर थ्योरम है। यहाँ से एक पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये तो एक के लिए हम बताए है ना, दो सेट के लिए और तीसरे सेट के लिए ये फॉर्मूला है। अगर चौथे के लिए दे तो आप फिर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक हम जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बता दे रहे हैं। इफ ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन बी आर फाइनाइट सेट्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वन यूनियन ए टू यूनियन सो ऑन यूनियन ए एन इज इक्वल टू समेशन आई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आई माइनस समेशन ऑफ आई लेस देन जे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आई एंड ए जे प्लस समेशन आई लेस देन जे लेस देन के नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आई एंड ए जे एंड ए के एंड सो ऑन प्लस माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री एंड सो ऑन इंटरसेक्शन ए एन। तो ये जनरल फॉर्मूला है, आप चाहे तो इसको दो सेट के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे तो तीन के लिए, चाहे तो चार सेट के लिए एंड सो ऑन। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज में आ सकता है। अब हम इस थ्योरम्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एक कंप्यूटर कंपनी है जो 20 प्रोग्रामर्स को हायर करती है जो हैंडल करता है सिस्टम प्रोग्रामिंग जॉब्स को, और 30 प्रोग्रामर्स को हायर करता है जो हैंडल करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जॉब्स को। आगे कह रहा है उन सारे हार्ड एम्प्लॉय में से पांच ऐसा एम्प्लॉय है जो परफॉर्म करता है दोनों ही तरह के जॉब्स को, मतलब वो सिस्टम प्रोग्रामिंग का भी वर्क कर सकता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का भी वर्क कर सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी प्रोग्रामर्स मस्ट बी हायर्ड। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं लेट ए एंड बी बी द सेट डिनोट्स सिस्टम प्रोग्रामर्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। इसके बाद जो दिया गया है उसको लिखेंगे। ये कह रहा है क्या कि कंपनी हायर करती है 20 सिस्टम प्रोग्रामिंग जॉब्स को, और सिस्टम प्रोग्रामिंग जॉब्स को हम यहाँ से ए से डिनोट किए हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए बी से। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सिस्टम प्रोग्रामिंग जॉब्स इज 20, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जॉब्स इज 30, एंड लास्ट लाइन ये बोल रहा है पांच ऐसा एम्प्लॉय है जो दोनों ही तरीके के वर्क को परफॉर्म करता है, दोनों ही तरीके के है ना। तो ये इंटरसेक्शन बता रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ये 5 दे रखा है। हमसे पूछ कर रहा है हाउ मेनी प्रोग्रामर्स मस्ट बी हायर्ड, कितना एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा, मतलब ये हमसे कह रहा है आप ए यूनियन बी का वैल्यू बताइए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये बताने बोल रहा है हमको। तो हम लोग पढ़े हैं पीछे फॉर्मूला, वी नो डैट एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू
एन ए का वैल्यू 20 है, इसका वैल्यू 30 है, तो 20 प्लस 30 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 तो ये 45। सो द कंपनी मस्ट हायर 45 प्रोग्रामर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है क्या, एक क्लास में 25 स्टूडेंट है जिसमें से 12 मैथमेटिक्स लिया हुआ है, 8 स्टूडेंट मैथ लिया है लेकिन बायोलॉजी ऑप्ट नहीं किया है। पूछ रहा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन मैथ एंड बायोलॉजी, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड नंबर कह रहा है हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथ, ये दो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे लेट ए एंड बी विद अ सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथ एंड बायोलॉजी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेट ए माइनस बी डिनोट द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ बट नॉट बायोलॉजी। ए माइनस बी का मतलब होता है क्या, ए से दोनों में से कॉमन एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देना है और जो पहले वाले में बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ए जो सेट हम एज्यूम किए हैं वो मैथ के स्टूडेंट के लिए और बी जो सेट है वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम ए माइनस बी लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ वैसा स्टूडेंट जो मैथ लिया हुआ है बट बायोलॉजी को ऑप्ट नहीं किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या गिवन है। कह रहा है क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, 12 हैव टेकन मैथ, तो मैथ के लिए हम ए सेट को एज्यूम किए हैं तो ये 12 है। 8 हैव टेकन मैथ बट नॉट बायोलॉजी, मैथ को ऑप्ट किया है लेकिन बायोलॉजी को ऑप्ट नहीं किया है, तो एन ए माइनस बी हो जाएगा, ये 8 दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथ एंड बायोलॉजी एंड दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी एंड नॉट मैथ, मतलब हमसे पूछ क्या रहा है, वी हैव टू फाइंड एन बी माइनस ए, मतलब जो बायोलॉजी ऑप्ट किया है और मैथ ऑप्ट नहीं किया है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथ एंड बायोलॉजी एंड दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी एंड नॉट मैथ, तो ये पहला क्वेश्चन है। एंड ये भी हमसे पूछ रहा है ना, मैथ एंड बायोलॉजी, ये भी दो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और गिवन है एन ए का वैल्यू और एन ए माइनस बी का वैल्यू। इस क्वेश्चन को हम तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नहीं आ जाए, मतलब बायोलॉजी में टोटल कितना स्टूडेंट है ये नहीं आ जाए, है ना। एक चीज़ यहाँ से और दिया हुआ है, ये दे रखा है क्या, टोटल जो स्टूडेंट है क्लास के अंदर में ये 25 दिया हुआ, ये गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये दिया हुआ है एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी का वैल्यू क्वेश्चन में 8 दे रखा है और एन ए का वैल्यू 12 दे रखा है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। इसको हम इस साइड ले आएंगे, 8 को उधर ले जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ
students who opted math and biology is 4. तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया. अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. अगेन पीछे फिर से फॉर्मूला पढ़े थे, एन ए यूनियन बी का वैल्यू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. तो सबसे पहले हम यहाँ से बायोलॉजी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को निकालेंगे. तो ये हो जाएगा, ये 25 दे रखा है, एन ए का वैल्यू 20 है, एन बी माइनस इसका वैल्यू अभी हम 4 फाइंड आउट किए हैं. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8, यहाँ से हो गया 8 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 17 हो जाएगा, है ना. और फिर हम इसके बाद एन बी माइनस ए निकालने की कोशिश करें. सो एन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. तो एन बी का वैल्यू 17 निकल गया और एन ए इंटरसेक्शन बी 4 दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 13. देयरफॉर 13 स्टूडेंट्स who have taken biology but not math. तो ये मेरा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक टाउन का पॉपुलेशन 25,000 दिया हुआ है और वहाँ पे 13,000 पीपल है जो स्टेटमेंट पेपर को रीड करता है और 10,500 पीपल है जो हिंदुस्तान टाइम्स पेपर को रीड करता है, 3,500 पीपल ऐसा है जो दोनों ही न्यूज़पेपर को रीड करता है. आपसे पूछ रहा है क्या कि नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बताइए जो दोनों में से किसी पेपर को रीड नहीं करता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से दो सेट एज्यूम कर लेंगे, एक स्टेटमेंट पेपर के लिए और एक हिंदुस्तान टाइम्स पेपर के लिए. तो लिखते हैं लेट एस एंड एच डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु रीड द स्टेटमेंट एंड द हिंदुस्तान टाइम्स पेपर. गिवन दिया हुआ है, गिवन डैट टोटल पॉपुलेशन है 25,000, मतलब ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है 25,000. अगेन नंबर ऑफ पीपल हु रीड द स्टेटमेंट पेपर इज 13,000. नंबर ऑफ पीपल हु रीड हिंदुस्तान टाइम्स इज 10,500 एंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड बोथ द न्यूज़ पेपर इज 3,500. पूछ कह रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो दोनों में से किसी भी न्यूज़पेपर को रीड नहीं करता है. तो हम सबसे पहले टोटल नंबर निकाल लेते हैं और लास्ट में परसेंटेज निकाल लेंगे. तो दोनों में से किसी न्यूज़पेपर को रीड नहीं करता है, नहीं करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कम्प्लीमेंट का. तो ये एस कम्प्लीमेंट मतलब नंबर ऑफ पीपल हु नॉट रीड द स्टेटमेंट पेपर एंड नॉट रीड द हिंदुस्तान टाइम्स पेपर, इसका वैल्यू आपको निकालना है. तो ये हम देखते हैं क्या, हम पीछे एक थ्योरम पढ़ चुके हैं डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कंप्लीमेंट दिया हुआ होता था, उसी पे हम इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम के हेल्प से, दिस इज इक्वल्स टू दिस। उसके बाद फिर से एक थ्योरम पढ़े हैं कि ए कंप्लीमेंट का वैल्यू होता है यू माइनस ए के इक्वल। तो सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं एन यू माइनस एन एस यूनियन एच। अब इस एन यूनियन का वैल्यू दे रखा है 25,000 माइनस, इसका वैल्यू नहीं दे रखा है, लेकिन इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एन एस प्लस एन एच माइनस एन एस इंटरसेक्शन एच। तो ये हो गया 25,000 माइनस वैल्यू दे रखा है, ये 13,000 प्लस 10,500 माइनस 3,500। तो ये सब सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 5,000, ठीक है। लास्ट में ये कह रहा है परसेंटेज निकालने के लिए, तो लिखेंगे देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पीपल हु रीड neither of these papers is equals to, तो 5000 में टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 20%, मतलब 20% ऐसा पीपल होगा जो दोनों में से किसी न्यूज़पेपर को रीड नहीं करेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है क्या, किसी एक क्लास में 80 स्टूडेंट है जिसमें से 60 फुटबॉल प्ले करता है, 53 हॉकी प्ले करता है और 35 ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों ही प्ले करता है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डोंट प्ले ऑफ दिस गेम्स, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है प्ले ओनली हॉकी बट नॉट फुटबॉल। तो सबसे पहले हम इसमें दो सेट एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं लेट एफ एंड एच डिनोट द स्टूडेंट who play football and hockey respectively। अब देखते हैं दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट्स क्लास में है 80, मतलब n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ये 80। 60 फुटबॉल प्ले करता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल इज इक्वल्स टू 60। 53 प्ले करता है हॉकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले हॉकी इज इक्वल्स टू 53। 35 ऐसा है जो दोनों ही गेम प्ले करता है, ये हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन एच इज इक्वल्स टू 35। अब यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन, ये कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट डोंट प्ले ऑफ दिस गेम्स, ऐसा कितना स्टूडेंट है जो दोनों में से किसी भी खेल को प्ले नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु डोंट प्ले फुटबॉल। डोंट प्ले को कॉम्प्लीमेंट से दिखाएंगे और प्ले को सिर्फ एफ लिखते हैं हम यहाँ पे, एंड नॉट हॉकी ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए। तो हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, फिर डी मॉर्गन्स थ्योरम के हेल्प से हम इसको लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं एफ यूनियन एच का होल कम्प्लीमेंट, और ए कम्प्लीमेंट वाले फॉर्मूले से अगर हम लिखें तो इसको लिखेंगे एन यू माइनस एन
एफ यूनियन एच, और ये हो जाएगा एन यू का वैल्यू दे रखा है 80 माइनस इसका वैल्यू, डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला से निकाल लेना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन एफ प्लस एन एच माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एच, ये हो गया 80 माइनस इसका वैल्यू दे रखा है 60 प्लस इसका वैल्यू दे रखा है 53 माइनस इसका वैल्यू दे रखा है 35, तो ये हो जाएगा क्योंकि 18 78 2 लिखेंगे नीचे। सो देयर आर टू स्टूडेंट्स हु डोंट प्ले एनी ऑफ दिस गेम्स, तो ये पहले नंबर का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर कह रहा है क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ओनली हॉकी बट नॉट फुटबॉल, मतलब जो सिर्फ हॉकी खेलता है और फुटबॉल नहीं खेलता है, तो ये बी नंबर हो जाएगा। इसमें कह रहा है वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली हॉकी बट नॉट फुटबॉल, फुटबॉल नहीं कह रहा है तो मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, ये हमसे पूछ रहा है, इसको फाइंड आउट करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। तो ये हो जाएगा एच इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू एन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ए माइनस बी के फॉर्मूले की तरह। अगर यहाँ पे ए माइनस बी रहता तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, कुछ इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एन एच का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर में 53 दे रखा है और इंटरसेक्शन का वैल्यू 35 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 18। सो देयर आर 18 स्टूडेंट्स हु ओनली प्ले हॉकी बट नॉट फुटबॉल, तो ये भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करते हैं, थैंक यू।